मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास में देखो हम पढ़ रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस। क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस? देखो ये इस टाइप का होता है स्प्रिंग बैलेंस। ये ऐसे यहाँ पर हुक लगी होती है ऐसे, और यहाँ की हुक होती है ऐसे। तो यहाँ पर एक स्केल होता है, ये ऐसे होता है, ये देखो ये ऐसे होता है। यहाँ ये स्केल है, यहाँ पर लिखे होंगे 1 2 3 4 5। यहाँ एक ऐसी पत्ती लगी होती है, यहाँ पर एक ऐसी पत्ती लगी होती है, ये ऐसे स्प्रिंग होती है, यहाँ पर स्प्रिंग होता है इसमें। तो ये पत्ती जब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, यहाँ से ये नीचे की तरफ खिसकेगी जब हम वेट इस पर डालेंगे। तो ये इस वेट से अटैच होती है, जब इस पर वेट डाल दिया जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस है। क्या होता है? ये डिवाइस है जो मेजर करती है एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाएगा। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने ऐसे बांध दिया गया इस पर, जैसे हम किसी गेहूं को भी तोल सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम वेट करते हैं जब। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग, यानी कि एक स्प्रिंग इसमें अटैच होता है, एक स्प्रिंग होता है यहाँ पर। और ये स्प्रिंग, देयर इज अ पॉइंटर, यानी कि इस पॉइंटर, ये पॉइंटर है हमारा, ये पॉइंटर है, यहाँ पर ये पॉइंटर लगा होता है। अटैच द लोअर एंड, ये नीचे वाले सिरे पे जुड़ा होता है, ये लोअर एंड पे जुड़ा है ये प्रिंटर जो है, ये स्प्रिंग। एंड ऑब्जेक्ट बींग हैंड, यानी कि रीडिंग ऑफ द फोर्स, जब हम रीड करेंगे तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे लगाया है, तो हम इसको रीड करते हैं, इसकी रीडिंग लेते हैं। रीडिंग जो होती है वो कैसे होती है? जब ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स रीड द स्केल, इस पर हम रीड कर सकते हैं। तो पता लग गया होगा स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। अब फैक्टर क्या क्या होते हैं स्प्रिंग, किसी भी फ्रिक्शन के फैक्टर? तो फोर्स सरफेस एरिया, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा, देखो ये एरिया हमारा इतना है, तो इतने ही ज़्यादा एरिया के ऊपर फोर्स फ्रिक्शन होगा, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स भी होगा। सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट के बीच में, देखो जो दो कॉन्टैक्ट हैं, ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, और एक कॉन्टैक्ट के बीच में, इस कॉन्टैक्ट के बीच में, और इस कॉन्टैक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस ऑफ इन कॉन्टैक्ट। वेलोसिटी और वेट, अब किस स्पीड से हम चल रहे हैं, स्पीड हमारी कितनी है, देखो स्पीड कितनी है, स्पीड भी देखेंगे, यानी कि वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी हम मैच करेंगे, और क्या मेजर करेंगे? वेट। अब जितना ज़्यादा वेट होगा, अगर मान लो एक व्यक्ति का वेट ज़्यादा, तो उसकी चप्पल ज़्यादा टूटेगी, क्योंकि उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और यहाँ पर स्पीड उसकी कम होगी, तो स्पीड कम हो जाएगी। अगर स्पीड ज़्यादा होगी, जैसे ट्रक के टायर जल्दी घिसते हैं, बाइक के टायर कम घिसते हैं, तो एज, यानी कि विस इज, अब जैसे बाईसाइकिल है, साइकिल में अपोजिट फोर्स लगता है, ये रोड है, ये रोड है हमारा, और ये हमारे पहिए हैं, तो साइकिल में जो फोर्स लगता है वो कम लगता है, क्योंकि उसके पहिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, रोड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो ये साइकिल है, जो उसको हम ऐसे बना लेते हैं, तो ये साइकिल बन गई हमारी, हमने कवरिंग लगा दी। तो इसके साइकिल में जैसे ही रोड पे चलती है, तो इसका बाई साइकिलिंग अगर हम देखते हैं, तो हमारे जो पहिए हैं वो अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण अपोजिट हो रहा है, और उनके टायर हैं जो वो कम घिस रहे हैं। तो दैट मीन्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक टॉपिक और रहता है इसमें, वो कल करवाऊँगा बेटा। हैव ए नाइस टाइम। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर कॉमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, आपको पहले ही वीडियो मिल जाए। हैव ए नाइस टाइम बेटा।